हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं हूँ निधि। आज मैं आप लोगों के साथ में एक बेबी प्रोडक्ट का रिव्यू शेयर करने वाली हूँ। एक्चुअली मैंने कुछ टाइम पहले आप लोगों के साथ में बेबी डायपर्स के बारे में, टाइप्स ऑफ डायपर्स के बारे में बात की थी कि मैंने किस किस तरीके के डायपर्स जो है अपने बेबी के लिए यूज़ किए थे और कौन से पर्पज़ के लिए आपको कौन सा वाला डायपर यूज़ करना चाहिए, वो सब कुछ उस वीडियो में मैंने शेयर किया था। अगर आपने चेकआउट नहीं किया है तो श्योरली आप उसको चेक कीजिए, वो आपको बहुत हेल्प करेगा, बहुत ही अच्छा वीडियो आपको लगेगा। सो फिलहाल उस वीडियो पे कई लोगों की रिक्वेस्ट आई थी नैपी लाइनर्स के बारे में, मैंने उसमें नैपी लाइनर के बारे में भी थोड़ा बहुत शेयर किया था। ये है वो नैपी लाइनर्स जो मैंने आरव के लिए खरीदे थे। इसका क्या बेसिकली यूज़ क्या है, इसको कब कैसे यूज़ करना है, क्या कुछ है, वो सारा कुछ आज के वीडियो में मैं बताने वाली हूँ। तो छोटा सा ही वीडियो होगा बट काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होगा। यस, विदाउट मच अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके सो गाइस, ये है हमारा मीमी का नैपी लाइनर, आप देख सकते हो। ये मीमी और कई ब्रांड्स में आता है बट ये मेरे पास पुराना पड़ा हुआ, अभी शायद से ये अमेज़ॉन पे डिसकंटिन्यू हो गया है। मैं देखूंगी लिंक, मुझे अगर दोबारा से मिलेगा तो मैं दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अदरवाइज़ पिजन वगैरह का भी था, वो भी काफ़ी अच्छे ब्रांड से। ये मेरे पास बहुत पुराना जब आ रहा हुआ था तब का है, इसलिए मेरे पास स्टॉक में है। यहाँ पर मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पर देखिए, ये एक्स्ट्रा एब्जॉर्बेंट है, कॉटन सॉफ्ट है एंड ओवरनाइट प्रोटेक्शन। ये इसके कुछ गुड फीचर्स है जो यहाँ पर लिखे हुए हैं, लेकिन ये किस पर्पज़ के लिए एक्चुअली मैं वो जानना बहुत ज़रूरी है। बेसिकली नैपी लाइनर है। लाइनर मीन्स आप जो बच्चों की नैपीज होती है उसके ऊपर एक परत जैसा बना देता है, जिससे कि बच्चों को थोड़ा सा प्रोटेक्शन मिलता है। किस तरीके से प्रोटेक्शन मिलता है वो मैं समझा देती हूँ आपको। इवन ये नाइट में भी काम करेगा, ऐसा नहीं है कि ये नाइट में काम नहीं करेगा, बट सबसे पहले मैं इसका लुक आपको दिखा देती हूँ। तो ये देखिए, ये इस तरीके से कुछ कॉटन टिश्यूज़ जो होते हैं ये कुछ उस तरीके का है ना, आपने देख लिया। बस इसको इस तरीके से फोल्ड करके आप लगा दीजिए बच्चों की जो नैपी होती है। अभी मैं आपको थोड़ा सा डेमो भी करके दिखा दूंगी। ये आपने जो कॉटन नैपीज पहनी है, डायपर्स में इसको यूज़ नहीं करना है, इसको यूज़ करना है आपको कॉटन नैपीज जो लंगोट वगैरह पहनाते हैं ना ट्रेडिशनली, उस पर ये यूज़ करने के लिए है। तो देखिए इसका पर्पज़ क्या है, एक तो जो कॉटन की जो नैपीज होती हैं वो बच्चों को जैसे उन्होंने सुसु की, पॉटी की, वो तुरंत बच्चों की जो स्किन है उसको गीला कर देती हैं। और अगर आपने टाइमली चेंज नहीं किया, आप मान लीजिए किचन में हैं और 5-10 मिनट भी हो गए, तो बच्चों को रैशेस बड़ी जल्दी हो जाते हैं जब छोटे बच्चे होते हैं। तो ऐसे में अगर आप ये लाइनर्स उनके नैपीज पे लगा देंगे तो होगा क्या कि ये जो लाइनर्स आप देख सकते हो कि ये थोड़े से वैसे हैं, सीपिन हो जाता है इसमें, है ना। तो जो भी सूसू वगैरह जो भी किया है तो वो इसके अंदर से ट्रांसफ़र हो जाएगा नैपी पे। नैपी आपकी गंदी होगी, गीली होगी, सब होगा, लेकिन जो बच्चे की स्किन है ना वो इस पे रहेगी। तो ये जो है सब कुछ नीचे डाल देगा और ये ऊपर से ड्राई रहेगा। बच्चों का जो स्किन है वो मतलब ड्राई रहेगा, उस पर किसी तरीके का इन्फेक्शन या फिर रैशेज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा नेग्लिजिबल हो जाएंगे। इसलिए इसका मेन पर्पज़ लाइनर का यही है। अब कुछ लोगों को लग सकता है कि यार ये डायपर के जैसे या इन सम वे डायपर के जैसे काम करेगा। नो, नॉट एट ऑल। ये बस एक ही चीज़ करता है, आपके बच्चे की स्किन को ड्राई रखेगा। आपके नैपीज गंदे होंगे, उसके नीचे जो भी शीट वगैरह होगी सब गंदी होगी जो होता है, लेकिन हाँ ये आपको दो तरीके से हेल्प करता है। एक तो जैसे कि मैंने बताया बच्चे की स्किन को प्रोटेक्ट करता है, दूसरा आपको जो एक मैस होता है ना, मान लीजिए सूसू करता है तब तो कोई दिक्कत नहीं है बच्चा, लेकिन जब पॉटी करता है ना तो पूरा जो नैपी होता है वो इतना मैसी हो जाता है कि उसको धोने में बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम होती है, मन नहीं करता, अच्छा नहीं लगता है, मैस हो जाता है बेसिकली। वो चीज़ों से ये बचाता है। इसमें क्या होता है, आपने ये लगाया और बच्चे ने अगर पॉटी कर दी, पूप कर दिया, तो पूप क्या इसके अंदर है, सिर्फ ये लिक्विड को नीचे डाल देता है। अगर पॉटी कर दिए तो वो जो सॉलिड्स होंगे वो ऊपर ही रहेंगे। तो बस आपने इसको इस तरीके से फोल्ड किया और इसको थ्रो किया और नैपी को डाल दिया अपना वाटर में धोने के लिए। इस तरीके से ये आपकी हेल्प करता है, थोड़ा सा आपको मेस फ्री बनाता है, थोड़ा सा, नॉट सो मच। बट जो लोग ऑथेंटिक वो नैपीज़ को यूज़ करना चाहते हैं, कॉटन वो डायपर्स में नहीं कंफर्टेबल है या फिर उनके बच्चे की स्किन कंफर्टेबल नहीं है, कई बच्चों को डायपर्स बिल्कुल सूट नहीं करते हैं, इन दैट केस आप ये लाइनर्स पे इन्वेस्ट कर सकते हो। और ये बहुत ज़्यादा इस तरीके से बेसिकली, एक मिनट, ये इसमें कितने का, 349 का, ये 100 पीस है, बट इसमें कुछ डिस्काउंट वगैरह मिल जाता है तो 250 के या 250 के करीब आपको ये 100 लाइनर्स मिल जाते हैं। तो आप इनको यूज़ कर सकते हो। और सूसू अगर करता है तो बच्चा 2 या 3 सूसू तक ये मेरे ख्याल से चला देगा। अगर जैसे आपने चेक नहीं किया, मान लीजिए ऐसा होता है ना कि हम सो जाते हैं बच्चे को दिन में लेकर, उसने सूसू कर दिया, आप सोए रह गए, तो ये लाइनर जो है वो बच्चे की स्किन को ड्राई करेगा। ठीक है, यहाँ पर पूरे इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं
कि किस तरीके से यूज़ करना है, तो इनकेस अगर आपको यूज़ करने में दिक्कत आ रही है तो वो सब चीज़ें आपको इसमें मिल जाएगा। सो इसको आप यूज़ किस किस के साथ कर सकते हैं, इसको आप कॉटन नैपीज के साथ भी यूज़ कर सकते हैं और जो कॉटन डायपर्स आते हैं उनके अंदर भी आप इसको यूज़ कर सकते हो। ये थोड़ा सा मतलब एक्चुअली क्या होता है ना, कॉटन डायपर्स भी जो आते हैं ना वो अंदर से अगर उसमें डायरेक्टली बेबी ने पूप कर दिया तो वो एक टाइम के बाद उनका कलर और वो सब उतना अजीब सा हो जाता है, स्मेल भी उन कपड़ों के अंदर फिल हो जाती है। तो अगर आप ये यूज़ करते हो देन ये मतलब एक लेयर बिछा देते हो तो क्या होता है कि आप इसको फेंक देते हो तो स्टेन्स वगैरह नहीं आते, स्मेल्स वगैरह धोने के बाद वो एकदम क्लीन क्रिस्टल क्लियर हो जाते हैं। तो हाइजीन पर्पज़ से आप इसको यूज़ कर सकते हो। और सुसु अगर आपने बच्चे ने सिर्फ सुसु किया तो आप इसे 2-3 बार यूज़ कर सकते हो, लेकिन अगर पॉटी या पूप किया है तो फिर आपको डेफिनेटली इसको तुरंत थ्रो आउट करना है, इसको वॉश करके रीयूज़ बिल्कुल भी नहीं करना है। ये डिस्पोजेबल लाइनर्स ही हैं एंड ये 100% सॉफ्ट मटेरियल से बने हैं, बिल्कुल भी रैश वगैरह या हार्श नहीं है स्किन के लिए और इको फ्रेंडली भी हैं ये। सो यस, आप इनको यूज़ कर सकते हो अगर आप नैपीज, जो लोग डायपर्स पहनाते हैं अपने बच्चों को उनके लिए ये सजेस्टेड नहीं है, बट जो लोग नैपीज वगैरह पहना के रखना चाहते हैं तो ये आपके मेस को थोड़ा सा रिड्यूस करता है और आपकी बेबी की स्किन को प्रोटेक्ट करके रखता है। तो चलिए अब मैं आपको उसका डेमो दे देती हूँ कि आपको उसको लगाना कैसे है, और साथ ही मैं एक दो और भी पॉइंट्स मैं आप लोगों को बता दूँगी। जैसे ये मेरे पास कॉटन की नैपी है और यहाँ सेंटर में आप देख सकते हैं एरिया बना हुआ है, तो ये रेडीमेड मेरे पास नैपी है, आपके पास अगर घर की बनी हुई है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पर इसके हिसाब से मैं एडजस्ट कर ले रही हूँ जितना भी बड़ा मेरा नैपी है उसके हिसाब से। सो सेंटर एरिया जो है वो आपको मेक श्योर करना है कि आपके बेबी का जो सेंटर एरिया है वो पूरा अच्छे से कवर हो जाए। तो देखिए मैं इसमें 2-3 तरीके से फोल्ड करके लगा रही हूँ, मैंने 2-3 तरीके से इसको यूज़ करके देखा था और ये परफेक्टली जाता है, क्योंकि आगे का थोड़ा सा एरिया और पीछे का थोड़ा सा एरिया जो है वो टाई करने के लिए रहता है, तो वो एक्चुअली में बेबी के बम एरिया के आसपास नहीं रहता है। तो इस तरीके से या फिर इस तरीके से आप रख सकते हो और ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है उन लोगों के लिए जो एकदम कॉटन नैपीज को ही यूज़ करते हैं। तो ये देखिए मैं ट्रिपल फोल्ड मेथड भी बता रही हूँ, और वैसे इसमें फोल्ड होके भी आता है, आप वो सेम फोल्ड भी रख सकते हो। तो ये सब ट्राइड एंड टेस्टेड वाली चीज़ें हैं, मतलब आप एक दो बार बच्चे के साथ यूज़ कीजिए और फिर देखिए कि किस तरीके से उसके मूवमेंट और बॉडी के हिसाब से ये शेप जो है वो सेट हो रहा है, तो वो आप को खुद जज करना पड़ेगा। यहाँ पर मैं बस आपको एक रफ आइडिया दे रही हूँ। तो इस तरीके से आप इसको कॉटन नैपीज के साथ भी यूज़ कर सकते हैं, रीयूजेबल जो नैपीज या डायपर्स आते हैं उनके साथ भी यूज़ कर सकते हैं, वो भी मैं आपको करके भी यहाँ पे दिखा दे रही हूँ। तो क्योंकि ये यहाँ पर स्टिक नहीं होता है जैसे डायपर वगैरह क्या फिक्स हो जाते हैं, या नैपी पैड्स आप यूज़ करते हो तो वो भी स्टिक हो जाता है, बट ये है ये बिल्कुल भी स्टिक नहीं होता है। तो मैं बोलूँगी कि जो 3 महीने तक के बच्चे होते हैं ना जिनका मूवमेंट ज़्यादा नहीं होता है उनके ऊपर आप उनके लिए ये नैपी लाइनर्स का यूज़ कर सकते हो। जैसे ही वो पलटने वलटने लगते हैं उसके बाद ये यूज़ करना उतना सेफ़ नहीं रहता है, क्योंकि बच्चे पलट गए और उन्होंने पूप वगैरह की है तो थोड़ा सा रहता है, मतलब वो आप जज कर लीजिएगा जब आप इसे यूज़ करेंगे तो आपका भी एक जजमेंट बनेगा उसके हिसाब से। लेकिन हाँ, स्टार्टिंग के 3 मंथ आप डेफिनेटली इसको यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए अब मैं आपको यहाँ पर यूज़ करके दिखा रही हूँ, जो रीयूजेबल डायपर्स होते हैं, कॉटन डायपर्स होते हैं, क्लोथ डायपर्स बोल लीजिए जो भी आप नाम दें। तो ये मेरे पास क्लोथ डायपर है, इसके अंदर ऑलरेडी एक इंसर्ट आता है लेकिन वो अंदर की तरफ फिट किया जाता है, तो ऊपर से आप इसको लगा सकते हैं ताकि आपके जो ये डायपर्स हैं ये बेसिकली कपड़ा जो है उसके ऊपर अगर पॉटी वगैरह रेगुलर बेसिस पर लगी रहेगी तो वो थोड़ी से स्टेन हो जाते हैं, थोड़ी से स्मेली हो जाते हैं। उसको अवॉइड करने के लिए आप कॉटन के जो डायपर्स आते हैं आप इनके ऊपर इस तरीके से इसको यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने आरएफ के लिए डायपर यूज़ नहीं किए थे, रेगुलर बेसिस पे मैंने नैपी पैड्स यूज़ किए थे, और उस नैपी पैड को यूज़ करने के लिए भी मुझे कॉटन की जो डायपर्स नैपीज होती हैं, डायपर्स नहीं, कॉटन की जो नैपीज थी येलो वाली जो मैंने पहले दिखाई वो मैंने थ्रू आउट 1 ईयर तक मैंने इसके लिए ख़रीदा था। तो अगर आपको अच्छे कॉटन रेडीमेड नैपीज की ज़रूरत है जिसको लंगोटी भी बोलते हैं, अगर आपको उसका कलेक्शन चाहिए या उसके बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो मुझे आप कॉमेंट करके बताइएगा, मैं उसका भी आपको मैंने वैराइटी ऑफ कॉटन नैपीज भी ट्राई हैं काफ़ी अच्छे अच्छे, तो वो भी आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं उसके बारे में भी आपसे बात करूंगी। और नैपी पैड का सेपरेट रिव्यू अगर आपको चाहिए तो वो भी आप मुझे बताइएगा, मैं वो भी आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी।
यस, अगर आपको ये प्रोडक्ट पसंद आ रहा है, आपको यूज़फुल लग रहा है, तो डेफिनेटली आप इसको परचेस कर सकते हो। इसका और इससे मिलते जुलते ब्रांड के जो लाइनर्स हैं जो कि अच्छे हैं, वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक कर दूंगी, आप वहाँ से चेकआउट करके परचेस कर सकते हो। क्योंकि ना इसमें भी कई सारे ब्रांड्स आते हैं जो बहुत ही चीप मटेरियल देते हैं और वो यूज़लेस होते हैं, तो उस पर पैसे वेस्ट ना करें। मिमी का तो वैसे बिल्कुल बढ़िया था, मैंने यूज़ किया हुआ है, बहुत ज़्यादा मैंने यूज़ नहीं किया है क्योंकि मैं डायपर्स में ही आरएफ को रखती थी, बट थोड़ा बहुत जितना मैंने यूज़ किया है उसके बेसिस पे मैं आपको बता रही हूँ कि ये मतलब मिमी का जो है वो बहुत अच्छा है। उसके अलावा भी एक दो ब्रांड्स पिजन वगैरह का भी अच्छा है, तो वो सब मैं लिंक कर दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर से करना, और कुछ क्वेरी रह गई हो जो हो सकता है मैंने नहीं इंक्लूड किया हो, नहीं बता पा रही हूँ, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, मैं आपको आंसर कर दूँगी। इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो ज़रूर कर लेना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना। और भी इस तरीके के डायपर रिलेटेड वीडियोज़ भी मैं लाने वाली हूँ, मदर केयर, ब्रेस्ट फीडिंग, पोस्टपार्टम केयर, वेट लॉस रिलेटेड सारे कंटेंट मैं क्रिएट करती हूँ। तो अगर आपको ये कंटेंट पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करना, ठीक है? तो मिलती हूँ आपसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।